हेलो एवरीवन, खमा खंडी और वेलकम टू माय व्लॉग चैनल नीलम भानु प्रताप। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम भानु प्रताप पे। तो आज की डे की शुरुआत हो चुकी है। बहुत पहले सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह बहुत मैं लेजी लेजी दिखाई देती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, ये लास्ट डे है मेरा मार्केट जाने का। इसके बाद में मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी, डायरेक्ट ससुराल चलेंगे हम। तो ससुराल जाने का टाइम नज़दीक आ चुका है, तो जो बची कुछ शॉपिंग है वो मैं करने वाली हूँ आज। और कमेंट आते रहते हैं कि मैं शॉपिंग में क्या लेती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊँ, तो मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मैं सोचा सारी एक साथ दिखा दूँगी, रोज़ थोड़े 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 छूट क्या दिखाऊँ। तो मैंने जितनी भी शॉपिंग की है वो आज मैं आपको सारी बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ एंड तक। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो न्यू है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए चलते हैं। तो ये अब हम निकल रहे हैं। तो अभी हम आज मैं आ चुकी हूँ घर पे और पहले हम पियेंगे जूस, फिर आज क्या क्या शॉपिंग करी है हम आपको बताएंगे। Three hours later. फिर मैं शाम के टाइम विनय और ऋतिराज के घर पे गई थी एंड ही मैक्स पिज्जा फॉर मी। इसकी पिज्जा पार्टी बाकी थी तो मेरे ससुराल जाने से पहले भी वो मुझको ट्रीट दे रहा था। पिज्जा मेड भाई ऋतिराज सिंह जो शेफ कहते मैं हूँ शेफ घर में रखे ही है। गरम है बताइए रिव्यू क्या है इसके बारे में। ये बहुत ही सही है, शानदार और यम्मी बना है। पिज्जा बनवाना का कांटेक्ट ना करें, हम भी नहीं है तो ये बनाते हैं। बहुत सारे काम। तो निर्मा मैं शॉपिंग करके आ चुकी थी, उसके बाद मैं रेस्ट करने लगी थी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो भी मैंने इन दिनों में शॉपिंग करी थी। इतने सारे शॉपिंग के ब्लॉग्स आए थे तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इतने सारे चीज़ें कुछ मेरी नहीं है, कुछ मैंने अपनी मम्मी के लिए भी लिए, भरसा के लिए भी लिए है, तो उनके जो हैं मैं आपको बता देती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने चार मुस्कान के जोड़ लिए थे। मुस्कान जो डेली रात बस पहनते हैं उन्हें पता होगा कि मुस्कान के जोड़ का कलर फेड नहीं होता, ये डेली वेयर में बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब रोज़ पहनने के हिसाब से मैं ये चार जोड़ लाई थी। एक तो ये है बंदेज का जो भी काफ़ी चल रहा है, इसके सूट भी, वो सूट भी लाई हूँ मैं, लेकिन ये जोड़ है। और ये देखते थे, और एक लाइट पिंक कलर में है, ये एक ये रेड कलर में है। मैं खोल के नहीं दिखा रही आपको क्योंकि मुझे वापस पैकिंग करनी पड़ेगी। और ये मैं ये रेड कलर में प्रिंटेड सूट है, ये कलर अलग है प्रिंटेड, ये भी प्रिंटेड है रानी कलर में। तो मतलब चार एक ही वेराइटी के थे, मतलब एक ही फैब्रिक के थे कॉटन के। और ये दो ओढ़ियाँ लाई थी, मतलब मेरे पास पहले से 4 मीटर सूट पड़े थे तो उन पर मुझे ओढ़ियाँ उनकी जो पुरानी हो गई थी, क्योंकि ये कॉटन की ओढ़ियाँ थोड़े दिनों में फेड हो जाती है और केयरिंग से रखना पड़ता है जो मैं इतनी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये दो ओढ़ियाँ लाई थी। एक में बॉर्डर बंदेज है और ये भी न्यू ही आई है, मतलब ये पैटर्न अभी वो तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस पर पूरी बॉर्डर पे जो है बंदेज का वर्क है और छोटी छोटी बूटी है, और इसमें पूरा पल्ला जो है वो भी बंदेज के वर्क में किया गया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हाँ उससे महंगी थी थोड़ी, पर ये मुझे अच्छी लगी। उसके बाद मैंने ये बंदेज वाले सूट लाई हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैं चलो ये प्ले आते हैं, ये मैं रेड कलर लाई हूँ और ये ऑरेंज कलर में अपनी मम्मी यानी मेरी सासू जी के लिए लाई हूँ ये ऑरेंज कलर या रेड कलर, फिर उनको जो भी अच्छा लगेगा इनमें से वो रखेंगे। बट सेम पैटर्न है और सेम फैब्रिक है, कलर अलग लगेगा। और ये एक मैं लहंगा लाई थी, मतलब ये लहंगा मैंने
चोमू सिल गया था बहुत पहले, अभी मैं ननिहाल गई थी जब आपने देखा होगा तो मैं उस टाइम वहाँ से लहंगा लाई थी लेकिन उस पर जोड़ नहीं ला पाई थी मैं। ये मैंने अपने मामी साहब को पहने हुए देखा था तो मुझे बहुत सुंदर लगा। ये कॉटन में है लेकिन इस पर कशीदे का रेड कलर में कशीदे का काम है और इसके यहाँ पे बॉर्डर है। तो उन्होंने पहना था तो बहुत सुंदर लग रहा था ये, तो मैंने भी वो लहंगा ले लिया था और इसके ऊपर मैं ये जोड़ लाई थी। ये मोस्टली मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है तो मैं रेड ले लिया मैंने। और उसके बाद मैं ये लाई थी एक साटन, इसको पाकिस्तानी साटन कहते हैं मोस्टली, मतलब ये थोड़ी सी अलग होती है साटन से, इसको पाकिस्तानी साटन कहते हैं। इस पर मैं भी आने वाले जो वेडिंग सीजन आ रहे हैं उसके लिए मैंने सोचा था कुछ मैं कि उसको मैं खुद डिज़ाइन करूँगी। मेरे काफ़ी सारे कॉटन के सूट हैं या फिर प्योर के भी हैं जो मैंने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं, यानी मैंने वहाँ से मटेरियल ला के जो है सिलवाए हैं, तो मैंने सोचा इसका भी वही करूँगी। रेड कलर फिर से रेड, मेरी सारी चीज़ें रेड हो रही है लेकिन मुझे रेड कलर बड़ा अच्छा लगता है पहनने में, तो मैं ये उसके लिए लाई हूँ। अब मैं इसमें क्या डिज़ाइन करूँगी वो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बस मैं ले आई थी। और ये लाई थी मैं इलायची कलर में सूट, ये फैब्रिक है मतलब ये सूट नहीं है, मैं गोदाम से कटवा के लाई थी। अमर किशनगढ़ में एक शॉप है जहाँ पे ऐसे सूट मिलते हैं थोड़ी वर्क वाले और रीजनेबल प्राइस में, मतलब बाकी अदर शॉप से जो है रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ मिलेंगे। और ये देखिए ये बड़ा सुंदर, इस पर आप गाजरी रेड और ग्रीन तीनों कलर की आप प्योर की ओढ़नियाँ ओढ़ सकते हैं और वो मेरे पास तीनों कलर की है। इस शादी के हिसाब से मतलब मेरा वेडिंग सीजन आ रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हेवी लुक दे देते हैं अपन, बाकी मैंने सारी चीज़ें सोबर खरीदी है तो ये उसके हिसाब से है। ये और ये सिर्फ मेरे पहले वाले जो सूट जो वो स्टिच हुए थे, अभी ये वाले सारे बाकी, लेकिन यहाँ ये एक स्टिच हो चुका है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाइन कलर में है, बरासू का, बरासू कहते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे सब, तो वो ये वाइन कलर का सूट है। ऐसे ही इस पर मैं प्योर की ओढ़नी मैचिंग कर लूँगी और कॉटन की ओढ़नी लानी है मुझे अभी। और ये दो सूट लाई थी मैं कॉटन के, मतलब सूट है कुर्ता और पैंट, ये भी मैं आपको पता वहाँ पहनती हूँ तो मैंने सोचा दो सूट ये भी ले लेते हैं, मतलब दो कुर्ता पैंट है। ये बंदेज का है पूरा, और बंदेज कुछ ज़्यादा ही आ गया लगता है मेरे कुर्ते में भी बंदेज, और उसके नीचे ये पैंट है। और एक ये मैं लाई थी पिंक कलर का, नहीं सॉरी पीच कलर का, एक ही पीच कलर का है, उसके नीचे भी पैंट है और यहाँ इसके जो है तारी और कशीदे का काम है, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। मैं आपको चीज़ें मैंने अजमेर से ली है, कुछ किशनगढ़ सब अलग अलग जगह लिया। और ये मैंने एक फिर बंदेज का लिया था, ये जो मोटी बंदेज होती है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब अब डेली घर में इस आपके पहनने से। मेरे पास ऐसा पहले सूट था फिर मैं जोड़ लाई थी लेकिन वो है दो साल में हर चार पाँच महीने में ये सूट ख़राब हो जाते हैं, कॉटन के होते हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं ये सूट पहनूँगी मेरे सूट में ये सूट जरूर मेरे कलेक्शन में रहेगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे फर्स्ट मेरे मामा चुनरी के अंदर ये आया था जब मैंने पहना था मेरे शादी के बाद में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद में। ठीक है उसके बाद में वो ख़राब हो गया, उसके बाद में वैसा का वैसा मैं जोड़ लेके आ गई थी, अब मैं वैसा का वैसा ही सूट लाई हूँ। थोड़ा ही रेड रेड हो गया यार मेरे तो। और एक ये लाई पिंक कलर में, वही प्रिंटेड और येलो ओढ़ना उसके ऊपर। और ये दो सूट है जो मैं अपनी मम्मा के लिए लाई थी, मतलब मेरी मम्मी के लिए उन्होंने मंगवाए थे ऊपर वहाँ चुके, तो ये मेरी मम्मी ने मंगवाए थे उनके लिए लगे दो सूट मेरे भी लेके आना। ये एक उन्होंने केले का मंगवाया था, उनका पहले वाला पुराना हो गया था। तो और चूड़ियाँ जो लाई हूँ मैं वो बता देती हूँ मैं आपको, लाख की चूड़ियाँ सारी मेरी नहीं है, ये लाइट थी मैं रेड कलर में लाइटिंग में।
सेम वही है, बस कलर अलग है इसमें, ऑरेंज और रानी। तो ये मम्मी सासू जी के लिए लाई थी। और ये दो चूड़ी मैं अपने भाभीसा के लिए लाई थी, सेम बस कलर अलग अलग डिजाइन सब में सेम है। ये थोड़ा अलग पैटर्न का है। और ये कैसी चूड़ियाँ लाई थी मैं, इसमें तीनों रेड ही है पर अलग अलग पैटर्न है। ये थोड़ा डार्क वाला रेड है। हमारे यहाँ पास में काम चल रहे थे, थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं, तो इसमें रेड कलर में, ये थोड़ा डार्क रेड है। और ये तारा चौक वाला रेड है। और ये प्लेन रेड है। और लास्ट एंड द मोस्ट माई फेवरेट डब्बे सूट के नीचे ये स्लीपर लाई थी मैं अपने लिए। मुझे ये काफी ऐसे पैटर्न मेरे पास पहले भी थे लेकिन वो खो गई थी, इसलिए मैं वापस वही पैटर्न लेके हूँ, बस मुझे कलर सेम नहीं मिला। मशीन चाले यार बार बार। और एक सूट क्या था बताना, वो ये था, ये भी रेड है जिसमें चमक है काफी अच्छी, और थोड़े ओकेजन टाइम में पहनने के लिए ये सेम पिंगे मासी के यहाँ गई थी, जो पिंगे मासी ने मुझे दिया था ये वाला सूट है। ये भी मैंने ही पसंद किया था, रेड हो गया। और अब जैसा कि सूट लाना एक बाकी है, वो मतलब मैं जाऊँगी उससे टाइम लेके आऊँगी। अभी मुझे कुछ कलर जो थे वो डार्क थे तो वो मुझे पसंद नहीं आए, तो जब भी लाऊँगी मैं आपको बता दूंगी। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने तीन बार शॉपिंग के अंदर इकट्ठी करी थी। तो अगर आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ मुझे पता है मेरी सारी चीज़ें रेड हो गई, पर मुझे आई लव रेड। तो जितने मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू। और आने वाला ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम वापस जा रहे हैं कहीं घूमने, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको तो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।